नमस्कार, द न्यूज 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगर पेट्रोल भरवाते वक्त मीटर देखकर आपका गला सूख जाता है, सब्जी खरीदते वक्त वॉलेट हल्का हो जाता है, महीने का दूध का बिल देख आपके शरीर में प्रोटीन अपने आप कम हो जा रहा है, और महंगाई पर चर्चा करते करते ही आपकी सैलरी टाटा बाय बाय बोल देती है, तो अभी आपका दुख कम नहीं होने वाला है। जी हाँ, महंगाई के नए रिश्तेदार आपके घरों पर दस्तक देने वाले हैं, क्योंकि सरकार को आपकी जरूरत की कई चीजों के दाम अभी भी कम लग रहे हैं, जिन्हें बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। कौन सी चीजों पर पड़ने वाली है महंगाई की मार, बता रहे हैं इस रिपोर्ट में। देश में बढ़ती महंगाई ने सबकी कमर तोड़ रखी है, चाहे पेट्रोल डीजल हो या रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली चीजें। सबके दाम इन दिनों लग रहा है कि बुलेट ट्रेन से मुकाबला कर रहे हैं कि कौन सबसे तेज भागेगा। ऐसे में जीएसटी काउंसिल ने 143 सामानों के दाम बढ़ाने के लिए राज्यों से सलाह मांगी है। इन 143 में से 92% सामानों को 18% टैक्स स्लैब से निकालकर 28% टैक्स स्लैब में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। अगर राज्यों से भी इन सुझावों पर सहमति बन जाती है तो आम आदमी को महंगाई आगे और परेशान करने वाली है। इन चीजों के दाम बढ़ाने की गई सिफारिश। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इन 143 चीजों में पापड़, गुड़, पावर बैंक, घड़ी, सूटकेस, परफ्यूम, टीवी, चॉकलेट, कपड़े, गॉगल्स, फ्रेम, वॉश बेसिन, अखरोट, कस्टर्ड पाउडर, हैंडबैग्स, च्युइंगम, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स, चश्मा और घड़ी जैसी चीज़ों के दाम बढ़ा सकते हैं। बता दें कि जीएसटी काउंसिल ने सुझाव दिया है कि इसमें से करीब 92% आइटम के दाम 18% जीएसटी टैक्स स्लैब से हटाकर 28% टैक्स स्लैब से कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कई चीज़ों को एग्जेम्प्ट लिस्ट से हटाकर टैक्स के दायरे में लाने पर भी विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल नवंबर 2017 और 2018 में जिन चीज़ों को जीएसटी के दामों में कटौती की थी उसे भी वापस ले सकती है। साल 2017 में जीएसटी काउंसिल गुवाहाटी में हुई मीटिंग में परफ्यूम, लेदर के सामान, कपड़े, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, पटाखों, प्लास्टिक लैंप्स, साउंड रिकॉर्डर आदि के सामान में जीएसटी में कटौती की गई थी। अगर जीएसटी काउंसिल की मौजूदा सिफारिशों को मान लिया जाता है तो अब जब आपको इन सब चीज़ों पर ज़्यादा पैसे देने होंगे। इसके साथ ही आपको टीवी सेट जो कि 32 इंच तक रहने वाला है, डिजिटल और वीडियो कैमरा, पावर बैंक आदि के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। साल 2018 की जीएसटी मीटिंग में इन सभी चीज़ों के दाम में कटौती करते हुए दिखाई दी थी। यह चीज़ें छूट से होंगी बाहर। आपको बता दें कि राज्यों की सहमति के बाद से कई चीजों में छूट से बाहर हो जाएंगी। इसमें गुड़ और पापड़ है, ऐसे में ग्राहकों को उन चीजों को खरीदने के लिए अधिक पैसे चुकाने होंगे। वहीं हैंडबैग्स, वॉश बेसिन, रेजर चॉकलेट, कोको पाउडर, रिस्ट वॉच, कॉफी, नॉन अल्कोहल ड्रिंक्स, डेंटल प्लॉग्स, परफ्यूम, घर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सामान, दरवाजा, बिजली का सामान आदि जैसे कई चीज़ों को 18% के जीएसटी स्लैब से हटाकर 28% के जीएसटी स्लैब में रखा जाएगा। इस बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए चेतावनी जारी कर दी है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, अभी गर्मी और महंगाई और झुलसाएगी। मोदी सरकार ने रोजमर्रा की 143 वस्तुओं पर जीएसटी बढ़ाने का फैसला लिया ताकि हर महीने 1,42,000 करोड़ से अधिक वसूली हो। क्या फर्क पड़ता है अगर जेब में पैसा नहीं, बजट बिगड़ गया है, क्योंकि भाजपा तो है तो यही मुमकिन है। तो तैयार हो जाइए और अपनी अपनी सीट की पेटियां बांध लीजिए। महंगाई की सवारी उड़ने के लिए तैयार है, और ये सवारी जमीन पर कब लैंड करेगी इसकी जानकारी आपको सरकार फिलहाल देने के मूड में नहीं है। नमस्कार।